हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24/7। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक में 1700 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अभी तक 1700 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक उतना वैकेंसी है, और जिसमें पहले जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं 1900 शिक्षक अभी तक कार्यरत है, जिसमें 1200 नियमित रूप से का मतलब जो जिसका फिक्स है जॉब वो है, और 700 कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनका कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 ईयर या 2 ईयर या 5 ईयर ऐसा होगा, तो वो 700 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम क्या कैसे लेने वाली है, जो नया नियमावली आया है 2020 में, उसी के अनुसार इसका एग्जाम होगा। और इसके अंतर्गत शिक्षकों की चयन का आधार लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट होगा, साक्षात्कार, इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे। मतलब आपका कुछ रिटन टेस्ट से वेटेज लिया जाएगा, और कुछ इंटरव्यू से, और कुछ एकेडमिक मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 60 अंकों की वेटेज पर मिलेगा। 60 अंकों की वेटेज होगा एक्स्ट्रा, जो जिसमें आपका इंटरव्यू हो गया, या जो आपका एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी जो टीचर काम कर रहे हैं उन लोगों को, जिसको अधिकतम